पोकेमॉन वर्ल्ड में हमें काफी सारे पोकेमॉन की दोस्ती दिखाई गई है, बट क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब आप कहोगे भाई कौन से ऐसे पोकेमॉन है, तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 राइवलरीज के बारे में जिनका सिर्फ एक ही मोटिव है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो हे गाइस, मैं हूँ आपका प्यारा एनिमल इन्वेंशन एक्स, इन शॉर्ट ADX। मैं आपके लिए ऑसम एंड यूनिक कंटेंट लाता रहता हूँ, तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सर्वाइपर एंड जेंगूस। जेंगूस होयन रीजन का नॉर्मल टाइप पोकेमोन है एंड सर्वाइपर इन होयन रीजन का एक पॉइजन टाइप पोकेमोन। अब इनकी मेन राइवलरी तो इनके डिजाइन से पता लगती है कि वो किस चीज की है। वो अपने रियल लाइफ की सांप एंड नेवले की दुश्मनी। जेंगूस एक नेवले पे बेस्ड एंड सर्वाइपर एक स्नेक पर। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो एक को मारने का मन तो करेगा। एंड ये लेजेंडरी दुश्मनी हमें पोकेमोन द एपिसोड ZigZag Zygoon में देखने को मिली थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तो जेसिका सर्वाइपर हमें जेंगूस पे भारी पड़ते हुए दिखा था, बट जेंगूस वापिस बदला लेने आया और ऐसा आया कि दूसरी बार सर्वाइपर इसके सामने टिक ना पाया। नंबर 2, पालकिया एंड डियालगा। पालकिया एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है एंड डियालगा एक स्टील एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन। ये दोनों ही सिनो रीजन से बिलोंग करते हैं और ये आते हैं क्रिएशन ट्रियो में। भले ही इन्हें क्रिएशन के लिए जाना जाता है, बट ये एक दूसरे को तबाही काफी ज्यादा देते हैं। एंड यही चीज हमें पोकेमोन द मूवी डार्क राय में देखने को मिली थी। दोनों ने एक दूसरे को अच्छा धोया। वो तो बलाओ एश एंड डार्क राय का, जिन्होंने सही समय रहते इन दोनों की लड़ाई को रोक लिया, नहीं तो पालकिया तो गया था। पालकिया तो जाता ही जाता, सिटी भी जाती साथ में। नंबर 3, हनी के प्यासे हेराक्रॉस एंड पिंसर। मेरा मतलब शायद से था। पिंसर एक नॉर्मल बग टाइप पोकेमोन है एंड हेराक्रॉस एक बग एंड फाइटी टाइप पोकेमोन। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन माने जाते हैं और साथ के साथ इनके पास तो मेगा एवोल्यूशन भी है। और इन चीज में एक चीज कॉमन है, वो है कि इनको हनी काफी ज्यादा पसंद है और इन्हीं चक्कर में इनकी लड़ाई चालू हुई। पोकेमोन द एपिसोड हैप्पी एंडिंग में टीम रॉकेट ने पिंसर के सारा हनी चुरा लिया था और उस चक्कर में पिंसर गया हेराक्रॉस के घर एंड फिर इनके बीच में हुआ घमासान युद्ध और टीम रॉकेट का जो हुआ सो हुआ। उनके साथ तो ऐसे ही होता है, मतलब कि काम तमाम। नंबर 4, दोस्त या दुश्मन, क्रिसिलिया एंड डार्क राय। क्रिसिलिया सिनो रीजन की एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमोन है और दूसरी तरफ डार्क राय सिनो रीजन का एक प्योर डार्क टाइप पोकेमोन। ये दोनों अपने प्यारे मून पे बेस्ड हैं, क्योंकि एक तरफ डार्क साइड होती है और एक तरफ लाइट साइड। डार्क राय का मेन काम है लोगों को बुरे बुरे ड्रीम्स दिखाना और उल्टा क्रिसिलिया का काम है उन्हें ड्रीम्स को हटा के उन्हें अच्छे ड्रीम्स दिखाना। ये दोनों भाई बहन जैसे एक साथ ही रहते हैं और ये जब सबसे पहले सिनो रीजन में हमें दिखाए गए थे तब इनकी दुश्मनी दिखाई गई थी, बट जैसे ये जर्नीज में गए तो इनके बीच में दोस्ती दिखाई गई। मतलब ये दोस्त हैं या दुश्मन, फिर भी बुराई और अच्छाई में हमेशा पोकेमोन की जीत होती है। नंबर 5, जमीन और पानी की दुश्मनी, कायोगर एंड ग्रोडोन। कायोगर होयन रीजन का एक वाटर टाइप पोकेमोन एंड ग्रोडोन एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन। दोनों की टाइपिंग के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों ही भले वेदर ट्रियो में आते हों, फिर भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि ग्रोडोन जहाँ पैर रखता है वहाँ जमीन बन जाती है और दूसरी तरफ कायोगर जहाँ आता है वहाँ पानी आ जाता है। दोनों की जमीन और पानी की लड़ाई के चक्कर में दुनिया हिल जाती है और उन्हें रोकने के लिए आता है एक और लेजेंडरी पोकेमोन रायक्वाजा। उसे वेदर ट्रियो का लीडर भी मान सकते हो, क्योंकि वही इन दोनों बच्चों को चुप करवाता है। नंबर 6, शेल एंड क्रैब यानी किंगलर एंड क्लॉयस्टर। किंगलर कैंटो रीजन का एक प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है और दूसरी तरफ क्लॉयस्टर एक वाटर एंड आइस टाइप का पोकेमोन है। किंगलर के बारे में कहा जाता है कि उसके जो क्लोज हैं वो किसी भी चीज को तोड़ने का दम रखते हैं और खासकर उसकी पोकेडेक्स एंट्री में तो लिखा है कि ये शेल्टर एंड क्लॉयस्टर का शेल तोड़ने में विश्वास रखता है। ये हमें एनिमे में भी देखने को मिला था कि ऐश के किंगलर ने सामने वाले ओपोनेंट के क्लॉयस्टर के शेल को तोड़ा था और दूसरी तरफ क्लॉयस्टर का दावा है कि उसका शेल कोई नहीं तोड़ सकता, कोई मिसाइल तक भी नहीं।
बड़ी चीज किंगलर गलत साबित कर देता है, क्योंकि किंगलर उसका शेल को तोड़ के उसके अंदर की जो भी चीज होती है उसको कच्चा जवा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं राइवलरी पे वीडियो बना रहा हूँ जब पोकेमोन के डार्क सीक्रेट्स की। नंबर 7 द रेड कलर राइवलरी साइथर एंड इलेक्ट्राबज। साइथर कैंटोरीजन का बग एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और दूसरी तरफ इलेक्ट्राबज एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन कैंटोरीजन से। इन दोनों पोकेमोन की पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि इनको लाल रंग से बिल्कुल नफरत है, बिल्कुल एक बुल के जैसे। एंड यही चीज हमें उस एपिसोड में देखने को मिली थी जहाँ पे हमें यस एंड कैश जो डार्क सिटी जिम चलाते थे अलीगली, यस के पास साइथर था एंड कैश के पास इलेक्ट्राबज, और इन्हीं से इनकी लड़ाई शुरू हुई। पर इनकी मेन दुश्मनी देखने को मिली थी जब लड़ाई के दौरान कुछ बच्चों ने इन पे लाल रंग फेंक दिया था, और उसके बाद तो साइथर एंड सिजोर ने क्या कारनामा किया ये हम सभी को पता है। नंबर 8 पॉपुलैरिटी की बुक है पिकाचू एंड मिमिक्यू। मिमिक्यू फायरी एंड घोस्ट टाइप पोकेमोन है अलोला से, एंड पिकाचू को तो हमें पता ही है कैंटो का चूहा। इन दोनों की राइवलरी काफी अनोखी है क्योंकि पिकाचू को तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मिमिक्यू को पड़ता है क्योंकि उसको चाहिए फुल इज्जत। एंड इसी कारण की वजह से मिमिक्यू पिकाचू के कपड़े पहनता है, और तो और मिमिक्यू की पोकेडेक्स एंट्री में भी लिखा है कि पिकाचू को जब भी वो देखता है तब तक उसका मारने का मन करता है। ये भले ही वन साइडेड राइवलरी है बट इंटरेस्टिंग तो है, और आखिर में मिमिक्यू को वो इज्जत शोहरत सब कुछ मिल जाती है। पैसे का तो वो वैसे भी क्या करेगा, मतलब एक पोकेमोन क्या ही करेगा उसका। नंबर 9 मौत और जिंदगी युबिटल एंड जर्नियस। युबिटल कैलोस का डार्क एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, और दूसरी तरफ जर्नियस एक फायरी टाइप पोकेमोन। इन दोनों की टाइपिंग में भी 36 का आंकड़ा है, एक बुरा है और एक अच्छा। युबिटल की पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि जब वो मरने वाला होता है तब वो दूसरे पोकेमोन की जिंदगियां छीन के अपनी जिंदगी बचाता है, और दूसरी तरफ जर्नियस को लाइफ वाला पोकेमोन कहा जाता है। उसका कहा जाता है कि युबिटल जो भी पोकेमोन को मारता है जर्नियस उसे वापस जिंदा कर देता है, एंड इस चक्कर में इन दोनों के बीच में काफी बार लड़ाई हो जाती है और ये राइवलरी बड़ी पुरानी। नंबर 10 असली नकली म्यूटू एंड म्यू। म्यू एंड म्यूटू दोनों ही कैंटो रीजन के एक साइकिक टाइप पोकेमोन है। म्यू एक मिथिकल है एंड म्यूटू एक लेजेंडरी, पर जो चीज इनमें इंटरेस्टिंग है वो है कि म्यूटू म्यू के डीएनए से ही बना गया है। वैसे तो म्यू ने काफी सारे पोकेमोन को अपने डीएनए से बनाया है, बट म्यूटू का कुछ अलग ही चक्कर है। इन दोनों की लड़ाई हमें पोकेमोन द मूवी म्यूटू द स्ट्राइक बैक में देखने को मिली थी, और क्या लड़ाई थी। हालांकि म्यू ने उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, बच्चों की तरह म्यूटू को धोया, बट इसका मतलब ये नहीं कि म्यूटू कमजोर है, क्योंकि उसके पास दो दो मेगा एवोल्यूशन है जो उसे कमाल का बना देते हैं। और ये काफी बार एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिले हैं, और काफी अच्छी लड़ाई रही है इनकी, और सच में ये काफी अच्छी राइवलरी है। अगर ऐसी लड़ाई दोबारा से देखने को मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक कर देना, बिल्कुल नई वीडियो मिलेगी। सो वहां से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तो लेटर बाय, नमस्कार, सस्काल केम छोकर सब बाय।